दोस्त अस्सलाम वालेकुम। सुबह के 8:30 बज चुके हैं। उसके बाद हम निकल रहे हैं एक बहुत ही प्यारी जगह, एक बहुत ही खूबसूरत जगह जहाँ के बारे में मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और आज का जो व्लॉग है ये सब इसी पे मबनी होगा और इंशाल्लाह आई थिंक द व्लॉग इज़ गोइंग टू बी ऑसम, क्योंकि टीम मेंबर हमारे साथ जो है वो है 3 और लोग और बहुत ही ब्यूटीफुल स्पॉट है। गाइस थोड़ी सी पैकिंग करनी है, हमारे टेंट्स कुकिंग डिवाइसेस हैं एंड ऑल दोस थिंग्स स्लीपिंग बैग वगैरह वो सब पैक करके और मिलते हैं आपसे सीधा अब गाड़ी में। सो आवर जर्नी है स्टार्टेड फ्रॉम उड़ी एंड राइट नाउ वी आर हियर एट एनएस ब्रिज। और यहाँ से आगे हम रोड का जो कंटेंट है रोड कवर नहीं करेंगे, ज़्यादा हम अवॉइड ही करेंगे। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफ़र। तो व्यूअर्स मैं आपको बताता चलूं कि उड़ी से बारामूला तक का जो ये खूबसूरत ज़मीनी रास्ता है जिसे जहलम वेली रोड, श्रीनगर मुजफ्फराबाद रोड या फिर उड़ी बारामूला हाईवे के नाम से भी जाना जाता है, 40 किलोमीटर की ये सड़क न सिर्फ बहुत ही खूबसूरत है बल्कि यूं कहें कि इस पर ट्रैफिक जाम भी बमुकाबले दूसरी सड़कों के बहुत कम या न होने के बराबर ही होता है। जहलम के किनारे किनारे उड़ी को वादी के बाकी इलाकों से जोड़ने वाली ये सड़क इसलिए भी एक अहम मकाम रखती है क्योंकि ये कश्मीर के इस खित्ते को दूसरे कश्मीर से भी जोड़ती है। अलगर्ज हमारा सफ़र कहीं और का है और हम कहीं दूसरे स्पेसिफिक लॉग में इस सड़क के बारे में जिक्र करेंगे। तो हम अपने ट्रैक पर वापस आ जाते हैं और व्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। हम आपको बताते चलें कि हमारा ये जो सफ़र है ये उड़ी से कैरन का है। अगरचे दोनों अज़ला शुमाली कश्मीर में हैं, अगरचे दोनों में सकाफत यानी कल्चर 90% एक जैसा है, मगर फिर भी कैरन को करीब से देखने के लिए हम बहुत ही बेताब हैं। हम बारामुल्ला के मेन टाउन से इस टाइम निकल रहे हैं और काफ़ी देर हो चुकी है, लेकिन हम कहीं भी कैसे भी करके कैरन पहुँचना चाहते हैं। हम बारामूला से कपवाड़ा का 40-45 किलोमीटर का ये सफ़र तय करके कपवाड़ा मार्केट में पहुंच चुके हैं और कपवाड़ा मार्केट के अंदर दाखिल होते ही हमें ट्रैफिक जाम देखने को मिला। अलगर्ज हम यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ होते हुए इस ट्रैफिक जाम से निकले और आगे बाजार में दाखिल हो गए। This is the amazing view of Kapwara district and we are proceeding towards Cairn. Cairn, which is almost we can say the most attracting destination for tourists, especially from last 2 years. And what makes it more special is that is the where we have we can see the flags of both the countries at Cairn sector. So on the way we just find such a beautiful place jahan se town ka jo view hai kuch aisa dikh raha hai. सो व्यूअर्स यहाँ कुछ और लोग भी रुके थे और हमने भी थोड़ी सी फोटोग्राफी वगैरह की और ये सब करने के बाद हमने फैसला किया कि अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। सो व्यूअर्स फाइनली रास्ते का व्यू एंजॉय करते करते हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। काफ़ी देर हो चुकी है और उम्मीद है कि वक्त रहते हम लोग कैन पहुंच जाएं और वहां जाके अपनी रात को रहने का बंदोबस्त ही कर सकें।
फाइनली दोनों तरफ से जंगलों से घिरी हुई एक खूबसूरत सड़क हमें न सिर्फ इस चीज़ का एहसास दिला रही थी कि कुदरत ने हमें हर नेमत से नवाजा था, लेकिन ये इंसान है, ये इंसान का लालच है जिसने हर जगह इस चीज़ को आलूदा करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। आपको एक बात बताना चाहेंगे, एक और चेक पोस्ट, एक और एंट्री, अगर आप कैरन जा रहे हैं तो आपको करालपुरा पुलिस थाने से एक परमिशन बनानी होगी। वहां आपको 7 पासेज दिए जाएंगे जो आपको कैरन जाने वाले रास्ते पर गुजरते हुए रास्ते में हर आने वाली चेक पोस्ट पर एक पास देकर जाना होगा। तो हम लोग कैरन के बहुत करीब आ चुके हैं और अभी इस ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं और सीधा वो कैरन दिखाने की कोशिश करेंगे। तो बस फिरकियां ब्रिगेड तक पहले हमें चढ़ाई मिली और अब वापस नीचे उतरना है और वापस उतर के कैरन की वादी का जो रास्ता है वो कदम होता जा रहा है और हम कैरन के करीब पहुंचते जा रहे हैं। अगरचे हमने रोड के नाम पे कंटेंट दिखाने से गुरेज किया था, हम फिर भी इस ब्यूटीफुल और बहुत ही निहायत ही खूबसूरत रास्ते का नज़ारा मिस नहीं कर सकते थे। सो वी पीपल ट्राइड जस्ट टू कैप्चर इट इन द कैमरा ताकि हम आपको खूबसूरत और खूबसूरत वादियों से होते हुए ये रास्ता दिखाते चलें। नाज़रीन, अगरचे ये रास्ता मौसमी सरमा में बर्फ़ से ढक जाता है और कई महीनों माह तक बंद हो जाता है, ताहम मौसमी बहार से लेकर मौसमी खजां तक इस रास्ते की एक अपनी नौइयत रहती है। ये रास्ता इर्द गिर्द जंगलों और हरे भरे मैदानों से घिरा हुआ है, जिससे इस रास्ते पर चलने में न सिर्फ इंसान को सफ़र का एहसास नहीं होता बल्कि कुदरत की बड़ाई का बार बार एहसास होता है। तो बस हमें यहाँ दिख गए बहुत ही खूबसूरत नोमेडिक घर जो कि डोगों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और बहुत ज़्यादा खूबसूरत व्यू था यहाँ का और हम आपको ये व्यू दिखाने से कैसे रह सकते थे। सो होप यू पीपल आर इन्जॉइंग द व्लॉग, इन्जॉइंग द वीडियो। थोड़ा सा लंबा होता जा रहा है रास्ते का सफ़र, लेकिन क्या कर सकते हैं, केरन जाने वाला जो सफ़र है वो ऑलमोस्ट लंबा ही है। सो हम आपको दिखाते हैं कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाए गए हैं दरिया के करीब ये घर। अलगर्ज ये कि कैरन जाने वाले रास्ते में वो मकाम आ गया है जो कि कुछ किलोमीटर सड़क खराब है और हम उस सड़क पे आ चुके हैं। सो जो गाड़ियां हमारे आगे हैं उन्होंने उछल कूद शुरू कर दी है और हम भी चल रहे हैं। तो फाइनली व्यूअर्स, हम कैरन में आ चुके हैं और यहां से आगे जाने को जो है हमारी गाड़ी को परमिशन नहीं मिली और हमें यहां चल रही लोकल कैंपर में अपना सामान शिफ्ट करना पड़ा और अब हम यहां से चल दिए टेंट वैली यानी कि वादी कैरन की तरफ। तो फाइनली गाइज व्हाट एक्चुअली हैपन हियर कि यहाँ से आगे जो है आप अपनी पर्सनल गाड़ी नहीं ले जा सकते हैं। आई डोंट नो,
तो सो हमने भी यहाँ से एक दूसरी कैंपर जो थी उसमें सब कुछ लोड कर दिया और यहाँ से हम लोग चल दिए आगे टेंट वैली की तरफ। सो आई डोंट फाइंड एनीथिंग विच इज़ क्वाइट डिफिकल्ट देन अदर प्लेसेस विच आर नियर बाई LOC लाइक उड़ी लाइक गुरेज। सो लेट्स सी कि आगे क्या होता है। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं केरन नाला में और हम क्रॉस कर रहे हैं केरन टेंट वैली की तरफ, यानी कि वो मकाम जहां से POK मतलब ये है दरियाए नीलम जिसे इस साइड में किशनगंगा और उस साइड में नीलम के नाम से जाना जाता है। और जो आपको मैं कैमरे पे स्क्रीन पे ये सब चीजें दिखा रहा हूँ ये हमारा साइड। तो व्यूअर्स फाइनली हम पहुंच चुके हैं टेंट वैली में, यहाँ हमें अपना ठिकाना ढूंढना है और यहाँ से सामने दरिया पे कुछ ही दूरी पे आपको पाकिस्तान और आजाद कश्मीर का फ्लैग दिखाई दे रहा होगा। सो इस ब्यूटीफुल प्लेस एंड हमने टेंट पिच कर लिया है और चाय बन रही है जो कि इशफाक भाई बना रहे हैं और हाशिम हेल्प कर रहे हैं। सो अब हम चाय बनाएंगे, उसके बाद में डिनर बनाएंगे और साथ में सामने जो POK का व्यू है उसको भी बहुत इंजॉय करेंगे। शाम हो चुकी है और मेरे सामने जो आप देख रहे हैं ये नीलम वैली है जो कि उस साइड वाले कश्मीर में है। एंड सोचिए कि कितना अमेजिंग होगा कि जब आप कश्मीर के इस वाले हिस्से में डूब के कश्मीर के दूसरे वाले साइड को देख रहे हैं। एंड यू पीपल आर नॉट अलाउड टू गो देयर एंड इवन दे आर नॉट अलाउड टू कम हेयर सो बिकॉज द of this political tension या जो भी है between two countries। तो guys हमारे जो शफी भाई हैं वो बैठ गए हैं, उन्होंने फैसला किया कि हम इस दरिया की हवाओं का और वहाँ से आने वाली हवाओं का नज़ारा यहीं पर बैठ के लेते हैं। तो गाइस केरन में ज़्यादा करने के लिए ज़्यादा कुछ भी है नहीं और इसलिए हम इस दरिया के किनारे बैठ गए और काफ़ी देर तक दरिया को ही देखते रहे। सो बस काफ़ी सारा वक्त यहाँ बिताने के बाद हमने फैसला किया कि अब हम जाके सो जाते हैं क्योंकि रात बहुत हो चुकी है और सोने के लिए बैटरी भी हमारी जो है वो लो है और पावर बैंक का चार्ज लगा देते हैं इन सब डिवाइसेस को। तो मिलते हैं आपसे अब सीधा सुबह। फाइनली गाइस ब्रेकफास्ट हो चुका है एंड इट्स राइट नाउ टाइम फॉर फोटोग्राफी और सेल्फीज। सो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये जो व्यू है ये केरन की इंडियन साइड वाला व्यू है और कुछ लोग जो है फोल्डिंग कर रहे हैं अपने टेंट्स को, जो है यहाँ से जाने की तैयारी कर रहे हैं लेकिन हमारे तंबू अभी लगे हुए हैं।
और अब हम चलते हैं दरिया के साइड में, जहाँ से आपको दिखाएंगे बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा। सो गाइस ऑन द अदर साइड इट इज़ पाकिस्तान, यानी कि वादी है नीलम, या यूँ कहें कश्मीर का दूसरा हिस्सा। बीच में दरियाए नीलम, किशन गंगा, और जिसे हम मज़ीद गौर से देखने के लिए दूरबीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो गाइस इस वाले हिस्से को रात से देख देख के हम लोग काफ़ी थक चुके हैं। बहुत ही प्यारा नज़ारा है, अद्भुत नज़ारा है, जहाँ आप एक दरिया की वजह से तकसीम हैं, या यूँ कहें कि पोलिटिकल टेंशन की वजह से एक खूनी लकीर है। तो उम्मीद है कि आने वाले वक्त में ये खूनी लकीर और ये जो आपसी टेंशन है, तनाव है, कम हो और लोग आ जा सकें पासपोर्ट वगैरह के जरिए। जितना हमसे हो सका आपको कैमरे में दिखाने की कोशिश की है। उम्मीद है आप लोगों ने इंजॉय किया होगा इस व्लॉग को, और थोड़ा सा और मज़ीद दिखाने के बाद हम यहाँ से चलने की तैयारी करते हैं। तो नाज़रीन, जो आप ये घर देख रहे हैं, लकड़ी के बहुत ही खूबसूरत घर हैं। इनमें कुछ घर हमने ऐसे भी देखे जिनके लोग तकसीम के वक्त सरहद के उस पार चले गए, और वो घर इंसानों की न होने की वजह से अपनी वीरानी बयां करते हैं। तो बस टेंट वैली, दरिया और नीलम वैली का मज़ा लेने के बाद हम केरन के अंदर गाँव में चले गए। ये केरन का लास्ट पोस्ट ऑफिस है, या यूँ कहें फर्स्ट पोस्ट ऑफिस, और उसके बाद में हम उस मुकाम पे चले गए जहाँ हर कोई फोटो लेना पसंद करता है। सो हमने भी यहाँ डिसाइड किया कि हम भी यहाँ पे फोटो लें, और उसके बाद में कई और अट्रैक्टिव चीज़ों की तरफ चले गए। तो बस हम आपको बताते चलें कि ये इंडिया की तरफ से इंस्टॉल किया गया बहुत ही बड़ा फ्लैग है यहाँ पे इंडिया का, और सीधा दरिया के उस पार जो है नीलम वादी में जो है पाकिस्तान का फ्लैग है उस साइड में। और ये जो बड़ी बिल्डिंगें आप देख रहे हैं ये पाकिस्तान के साइड में हैं, और बीच में बहता है किशन गंगा या दरियाए नीलम। तो बस इस बहुत ही खूबसूरत नज़ारे को हम इस उम्मीद के साथ पीछे छोड़कर जा रहे हैं कि फिर से मुलाकात होगी। सो होप फॉर द बेस्ट दैट द कॉमनल टेंशन बिटवीन टू कंट्रीज विल बी सॉर्टेड आउट, और इंशाल्लाह एक वक्त आएगा जब कि खूनी लकीर जो है आपस में समझौता होकर या सुलह तैमाने के बाद में ख़त्म कर दी जाएगी, और जो आर पार बिछड़े हुए खानदान हैं वो आपस में मिल सकेंगे। सो होप फॉर द बेस्ट, और चलते हैं। सो उम्मीद है कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा, तो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसी उम्मीद के साथ ताकि हम आपके लिए अच्छे